हॅलो, गुड मॉर्निंग स्टुडंट्स. मी राजेश सर, प्रेम विद्या मंदिर हायस्कूल से कक्षा 7. आज हम सीखेंगे चैप्टर नंबर 8, पवन, तूफान और चक्रवात. शुरू करते हैं. पवन क्या और तूफान क्या? पवन जो हवा चल रही है, जिसे हम सांस ले रहे हैं, ये हवा चल रही है. और हवा का जब गति अपनी सामान्य गति से तेज होती है या फिर एक पवनडर में घूमती है, जिसको पवन कहते हैं, यही पवन गति के साथ साथ अगर चक्रवाइज होने लगे, जैसे कि इसकी गति तेज होगी किसी कारणवश, तो उसी चक्रवात को या घूमने की गति को हम चक्रवात कहेंगे. और ये चक्रवात अगर घूमते घूमते बादलों के साथ, बिजली के साथ या पानी ओले के साथ अगर आता है, तो उसको तूफान कहेंगे. तो इसी के बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे. वायु का दाब और कैसे बढ़ता है, पहले तो ये समझते हैं कि वायुवरण वातावरण में जो ये गर्मी और पैदा होती है, वो कहाँ से पैदा होती है? सूरज के प्रकाश के कारण जो समुद्र की सतह है, वो भाप बनाती है. और भाप बनाने के बाद वो पानी को ऊपर ले जाती है, और जो बादल सीधा ऊपर पहुँच जाते हैं, जो ज़्यादा ऊपर पहुँच जाते हैं, वो बादल गर्म हो जाते हैं. और कुछ बादल जो बादलों के नीचे रहते हैं, वो ठंडे रहते हैं. और कभी कभी ऐसा होता है, जब हवा तेज हो जाती है धरती का गुरुत्वाकर्षण और सूरज के प्रकाश के कारण, तब ये गति का तेज हो जाने के कारण ठंडे बादल और गर्म बादल आपस में टकराते हैं, तब ये टकराने के कारण बारिश होती है. लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वायु की गति बहुत तेज हो जाती है, और ये बादलों के साथ घूमकर ये अपने आप ही प्राकृतिक रूप से घूमने लगती है. और घूमते घूमते ये आपस में एक बॉर्डर की तरह बन जाती है. जैसे हमारा नल का सिंक है, तो वहाँ से पानी से छेद निकाल दिया जाए, पानी घूमने लगता है. ये काफ़ी हद तक वैसा ही होता है कि हवा आई, बादल आए, ठंडे बादल हुए, गर्म बादल हुए, उसमें बिजली कड़कने लगी और आपस में हवा घूमने लगी. ये हवा घूमने के कारण ही चक्रवात पैदा हो गया. और चक्रवात जब भारी मात्रा में पानी लेकर किसी प्रदेश पर प्रवेश करता है, तब ये तूफान के रूप में आता है. तो बात पे की वही पड़ती है कि गति जब तेज हो जाती है इसकी, और किसी काम के दौरान आवाज़ के दबाव के दौरान ये घूमती है और घूमने के कारण घूमने लगती है, तब ये चक्रवात को रूप धर लेती है. जब दाब इसका बढ़ जाता है, तो ये दाब के कारण कुछ ऊपर नीचे होने लगते हैं. जैसे ठंडे बादल हो गए, नीचे चले गए, और जो गर्म बादल है ऊपर चले गए. गर्म बादलों का घनत्व थोड़ा कम होता है, जिसके कारण हवा के ऊपर चले जाता है, और ठंडे बादलों का घनत्व थोड़ा ज़्यादा होता है, तो नीचे चले जाता है. ये घनत्व का कारण ही होता है. अब बादलों के घनत्व की बात करें, इसमें पानी का स्तर होता है, सब महत्वपूर्ण होता है. जिन बादलों की घनत्वता सबसे ज़्यादा होती है, वो पानी के कारण वो ज़्यादा फूले हुए होते हैं और धरती के नीचे रहता है. कुछ जगह पर बादल फट जाते हैं, हमने सुना होगा कई जगह बादल फटे, तो बादल फटना ऐसा कोई चीज़ नहीं होती. बस ऐसा होता है कि पानी की जो धारा होती है, वो एक साथ बैठ होती है और अपने साथ साथ विस्फोट की तरह प्रकट होती है. विस्फोट होने के कारण कि भारी मात्रा में जो पानी जिसके अंदर होता है, वो एक साथ गिर जाता है. लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बादल बहुत तेज़ी से आ रहा है और विस्फोट हो गया बादलों में, और विस्फोट होने के कारण वहाँ के जो आसपास की हवाएं हैं, उनके साथ घूम जाती है. तो घूमने के कारण ये बर्फ़ के टुकड़े बन जाते हैं, क्योंकि इतना ठंडा होता है ये वातावरण में कि ऑटोमेटिक बर्फ़ के टुकड़े बन जाते हैं. और बर्फ़ के टुकड़े ओले बनकर धरती पर बरसते हैं, जिनका हम ओले की वर्षा कहते हैं. ये मौसम के कारण में ऐसा होता रहता है. अब बात करें कि ठंड और गर्म के कारण ये टेम्परेचर रीजन में होता रहता है. अब हम मुँह से हवा भरें, तो ठंडी हवा, जिसे मान लें ठंडी हवा हवा में आ रही है और ठंडी हवा गर्म होती है, हम जो सांस ले रहे हैं ठंडी हवा है, और जो मुंह से सांस निकाल रहे हैं गर्म हवा है, क्योंकि हम जो सांस ले रहे हैं ऑक्सीजन है और जो बाहर निकल रही है कार्बन डाइऑक्साइड है. तो इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड वाली हवा गर्म होती है. अब आकाश की बात करें, तो आसमान में नाइट्रोजन भी होता है, और कभी कभी कुछ बादलों में नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है. जिन बादलों में नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है, तो नाइट्रोजन की मात्रा जब ज़्यादा होती है, तो ये बादल बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं. ठंडे होने के बाद एक दूसरे के घूमने लगते हैं, और ये बारिश होते दूसरे बरसने लगते हैं. तो उसी तरह से तूफान, पवन और चक्रवात, ये हमारा टॉपिक है. ये आज का टॉपिक हमारा पूरा होता है. उम्मीद है आपको पसंद आया होगा. आपका घर काम ये है कि आप इस किताब को पढ़ें, पढ़ने के बाद समझें, और समझने के बाद कोई प्रश्न हो तो अपने करें. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू.